उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में पुलिस नशे को लेकर लगातार अभियान चला रही है। इसी को लेकर आज पुलिस और ड्रग्स विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए मेडिकल की दुकानों पर छापेमारी की। विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयां बेची जा रही है, जिसको लेकर यह कार्यवाही की गई है। अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर से कई दवाइयों के सैंपल लिए हैं। इसके बाद बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे मेडिकल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। अधिकारी ने बताया कि जब मेडिकल के एक दुकानदार से लाइसेंस और बिल की मांग की गई तो वह मौके पर इन सब दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसको लेकर विभाग की टीम सीजर की कार्यवाही कर रही है। उन्होंने बताया कि यह छापेमारी की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। मुरादाबाद से संवाददाता वाजिद अली की रिपोर्ट। देखिए, इनके यहाँ मुझे जानकारी मिली थी कि नशे की कुछ दवाइयाँ, टेबलेट, इंजेक्शन, ये सब काम कर रहे हैं। तुरंत मैं पुलिस पोस्ट लेके सिविल लाइन थाना से लेके और अभी इनके यहाँ तवीज दी है, तलाशी ली गई है दुकान की। प्रथम दृष्टया ये दुकान के मालिक जो है ना, वो तो मौके पर मौजूद नहीं है, उनके भाई हैं महफूज अली, ये दुकान पर बैठे हुए मिले हैं। इनसे लाइसेंस की मांग की जा रही है, लाइसेंस ये मौके पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। दवाइयाँ जो भंडारत हैं इनके कोई क्रैबिल इनके पास उपलब्ध नहीं है। तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि लाइसेंस तो इनके पास उपलब्ध नहीं है, नहीं दिखा पा रहे हैं। लिहाजा मैं औषधि प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत अपनी कार्रवाई, सीजर की कार्रवाई जो है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो सर, आप उद्देश्य से आए थे कि यहाँ पर नशे की दवाइयाँ बिकती हैं, तो क्या नशे का कोई मिला है ऐसा सामान? अभी तो इनका जो है ना कुछ एक तो दवाइयाँ जो कि है वो औषधि में है, वो नार्कोटिक में नहीं कहेंगे लेकिन औषधि में रखी गई हैं। फिलहाल मात्रा उसकी और देख ले रहे हैं, अभी हम जो है ना उसको इन्वेंट्री बना रहे हैं। सर, क्या बिलिंग है इन पर जो दवाइयाँ बेची गई हैं अभी तक? अभी इन्होंने कोई बिल प्रस्तुत नहीं की, जो दवाइयाँ अभी मैं मौके पर जब्त कर रहा हूँ तो इनके पास कोई दवा के बिल प्रस्तुत नहीं है। तो सर, क्या कार्रवाई की जाएगी? अब इसमें औषधि प्रसाधन अधिनियम के अंतर्गत दवाइयों को सीज किया जाएगा और सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, औषधि प्रसाधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज करेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।